अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने ये दो शब्द जरूर सुने होंगे। पहला है वामपंथी यानी लेफ्ट विंग और दूसरा है दक्षिणपंथी यानी राइट विंग। अक्सर न्यूज़ डिबेट्स में भी आपको इन शब्दों का इस्तेमाल होता नजर आ ही जाएगा। दरअसल ये दोनों ही अलग अलग आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराएं हैं जिसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज बटी हुई हैं। और मजे की बात तो ये है कि दोनों ही आइडियोलॉजीज से इंस्पायर होने वाली पार्टियां समाज का भला करने का दावा करती है। और एक विचारधारा वाला दूसरे विचारधारा वालों पर यह आरोप लगाता है कि वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। सोशल मीडिया में तो आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि विचारधाराओं के कारण लोगों की दोस्ती टूट जा रही है। ये भी साधारण बात है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ मामलों में लेफ्ट विंग को सपोर्ट करे और कुछ मामलों में राइट विंग को सपोर्ट करे। और यहीं से लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल पार्टी और राइट लीनिंग पॉलिटिकल पार्टी जैसे शब्दों का जन्म हुआ है। एक का लेफ्ट विंग विचारधारा की तरफ झुकाव होता है तो दूसरी पार्टी का राइट विंग विचारधारा की तरफ झुकाव होता है। और इसलिए आजकल सिर्फ लेफ्ट राइट और सेंटर नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद को अब सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट जैसे शब्दों के साथ रिप्रेजेंट करती है। मगर ये लेफ्ट राइट सेंटर जैसे शब्द आए कहाँ से और इनके क्या मायने हैं, इस वीडियो में आपकी इन सब पॉलिटिकल टर्म्स की कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, इनके इतिहास के बारे में बात करेंगे और मौजूदा समय में भारत में इनके क्या मायने हैं इस पर बात करेंगे। वैसे ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है मगर इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना समराइज करने की कोशिश हमने की है। और ऐसे टाइप के वीडियोज़ को रेगुलरली देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू से शुरू करते हैं। लेफ्ट विंग और राइट विंग, इन दो टर्म्स की ओरिजिन की अगर बात करें तो ये शब्द फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से जन्मा है जो ईयर 1789 में हुई थी, जब वहाँ के राजा को हटाने की बात हुई। तब फ्रेंच नेशनल असेंबली के सदस्यों के बीच काफ़ी मतभेद था। सदस्य दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा उन लोग का था जो मोनार्की यानी कि राजशाही के समर्थक थे और दूसरे वो सदस्य थे जो राजशाही के खिलाफ थे। उन्होंने अपने बैठने की जगह को भी बांट लिया था। राजशाही के विरोधी क्रांतिकारी सदस्य यानी कि जो परिवर्तन चाहते थे वो असेंबली के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड बैठ गए, जबकि राजशाही के समर्थक कंजर्वेटिव सदस्य प्रिसाइडिंग ऑफिसर की दाईं ओर यानी राइट साइड बैठ गए। इस तरह वहां से लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट वजूद में आया। यहीं से ये दोनों आइडियोलॉजीज भारत की जमीन तक भी आ पहुंची। आइडियल डेफिनेशन के हिसाब से वामपंथ विचारधारा यानी कि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ये चाहती है कि समाज और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो ताकि एक राज्य विहीन या वर्ग विहीन यानी क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बने जिसमें किसी का शोषण ना हो। दक्षिणपंथी विचारधारा यानी कि राइट विंग आइडियोलॉजी में राज्य के माध्यम से ही समाज में समानता, स्वतंत्रता जैसी सभी चीजों की स्थापना होती है। इसमें राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता ज्यादा होती है, राष्ट्रवाद ज्यादा होता है। समरी ये है कि इस आइडियोलॉजी में समाज की संस्थाओं को, परंपराओं को और समाज के मूल्यों को बरकरार रखना चाहते हैं। वे सुधार का विरोध नहीं करते हैं बल्कि सुधार के साथ यथास्थिति यानी कि स्टेटस क्वो को बनाए रखना चाहते हैं। लेफ्ट विंग विचारधारा को लिबरल कहा जाता है और राइट विंग विचारधारा को कंजर्वेटिव माना जाता है। लिबरल्स का बेसिक मीनिंग है परिवर्तन चाहना या बदलाव चाहना और कोई भी चीज़ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहना। वहीं दूसरी ओर कंजर्वेटिव का मतलब ये माना जाता है कि जो सभ्यता चली आ रही है, जो प्रथा चली आ रही है, जो पद्धतियाँ चली आ रही है, वो पद्धति किसी भी प्रकार से कंजर्व रहे, और यहाँ से वो कंजर्वेटिव शब्द भी आया। दूसरा अंतर यह है कि लेफ्ट विंग विचारधारा में रिलीजन और पॉलिटिक्स को दोनों को अलग करके रखा गया है, वहीं राइट विंग विचारधारा में ये माना जाता है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को साथ में लेकर चलना चाहिए। अगली कन्फ्यूजन ये होगी कि भारत में कौन सी लेफ्टिस्ट पार्टी है और भारत में कौन सी राइटिस्ट पार्टी है। तो जनरली CPI CPM को लेफ्टिस्ट का दर्जा दिया गया है और BJP जैसी पार्टियों को राइटिस्ट का दर्जा दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी प्योर लेफ्टिस्ट नहीं है और कोई भी प्योर राइटिस्ट नहीं है। यहाँ पे अगर रिलीजन को बेस मानकर चलें तो कांग्रेस, CPI और CPM जैसी पार्टियों को लेफ्ट लीनिंग मान सकते हैं और वहीं दूसरी ओर BJP और AIMIM जैसी पार्टियों को राइट विंग मान सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिकली लेफ्ट और राइट की बात करें तो कोई भी पार्टी इकोनॉमिकली राइट विंग नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकली राइट विंग होने का मतलब ये माना जाता है कि सरकार को इकोनॉमी से जितना ज़्यादा सेपरेट किया जाए उतना ही बेहतर है, और भारत में ऐसा नहीं है। बात करते हैं इन दोनों आइडियोलॉजीज में से बेहतर कौन सी है। तो इसका जवाब ये है कि ना तो एक्सट्रीम राइट अच्छा है ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट अच्छा है। दोनों ही खतरनाक हैं मगर दोनों ही विचारधाराओं में ऐसी चीज़ें हैं जिसे अपनाकर सेंटर की विचारधारा पर चला जा सकता है। क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट विंग के रूप में हमने कंट्रीज देखी हैं जैसे चाइना और रशिया। चाइना में माओ था और रशिया में स्टालिन था और ये दोनों ही मास किलिंग के लिए फेमस थे। एक्सट्रीम राइट विंग विचारधारा पर जो कंट्रीज आती हैं जैसे ज़्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जिनमें आप अगर गलती से भी किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाते हैं तो बहुत ही कड़ी सज़ा मिलती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मूल परिभाषा के हिसाब से अगर आप एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं तो जो भी मनी मेकिंग चीज़ें हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो उनके पैसों को आप गरीबों में बांट देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
ऐसे में जो ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं यानी कि बिजनेसमैन, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसे में देश की प्रोडक्टिविटी भी लगातार कम होने लगेगी। अगर एक्सट्रीम राइटिस की बात करें तो उसमें भी जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही जरूरतमंद लोगों के पास चीजें आना बंद होने लगेगी, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाएगा और साथ ही में उनका रिलीजन पे भी फोकस ज्यादा होता है और ऐसे में समाज को सही मायने में एक साथ आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं एजुकेशन पॉलिसी का। जितने भी वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, उन लोग ऐसा मानते हैं कि चाहे कोई भी हो, धनी हो या निर्धन हो, सभी को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। मगर दक्षिणपंथी यानी कि राइटिस्ट आइडियोलॉजी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उनका मानना है कि अगर कोई ज्यादा पैसे वाला है तो उसको महंगी शिक्षा लेने का अधिकार मिलना चाहिए, वरना उन पैसों का वो करेगा क्या? अगर वो समाज में ज्यादा धन खर्चा करेगा तो उन पैसों का सदुपयोग हो सकता है। तो उनका मानना यह है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, मगर अगर कोई महंगी शिक्षा लेना चाहता है तो उसे वो देना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें लेफ्ट और राइट में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। अंत में इसका ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर पार्टी के अलग विचार हैं, अलग पॉलिसी है। कुछ लोग सरकार और धर्म को जोड़कर चलते हैं, कुछ लोग राजनीति को धर्म से अलग रखकर चलते हैं, कुछ लोग अपनी संस्कृति को बचाकर रखना चाहते हैं, कुछ लोग सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। उनके विचारों के हिसाब से उन्हें इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में रखा जा सकता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लेफ्ट विंग से रिलेटेड है तो उस पार्टी को लेफ्ट में रखा जा सकता है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी राइट विंग से रिलेटेड है तो उसे राइट साइड में रखा जा सकता है। भारत में किसी राजनीतिक दल को लेफ्ट और राइट में विभाजित करना काफी मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि ये पार्टीज कुछ विचार वामपंथ यानी कि लेफ्ट विंग के रखती है और कुछ विचार दक्षिणपंथ यानी कि राइट विंग के रखती है, तो ये अपनी राजनीति के हिसाब से अपने विचारों को बदलती रहती है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेफ्ट या राइट का दर्जा ना देते हुए उसे उसकी पॉलिसीज और थॉट्स के हिसाब से जज किया जाए और सोशल मीडिया में राजनीति को लेकर होने वाली महाभारत भी कम हो जाए। ऐसे वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।